सभी मित्रों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुंदर उत्सव और होली का, उसका आगमन, जीवन के सारे रंगों को शामिल करने का अवसर। आज इस कोरोना काल में होली का आना कितना सुंदर भी है और विचित्र भी है। होली के अवसर पे हम एक दूसरे से मिलते हैं, रंगों में डूबते डुबोते रहे हैं। होली मिलन, गले मिलना, संग साथ बैठना, उठना, खाना पीना, यही सब तो हमारा होली का उत्सव में सारा रहा है। लेकिन आज इस कोरोना काल में वही सब चीज़ें हमको नहीं करनी है। सोशल डिस्टेंसिंग है तो दूर रहना है, अब गले भी नहीं लगना है। तो मैं तो यही कहूँगा कि भाई ठीक है, अब थोड़ा सा इसको आंतरिक रूप दे लें तो ज़्यादा अच्छा है। आज के अवसर में मत गले मिलें, रंग वगैरह भी थोड़ा एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि रंग लगाएंगे तो पास आना ही होगा। अनावश्यक रूप से इसमें उलझने की ज़रूरत नहीं। कई लोग जिद पकड़ेंगे कि नहीं, होली में ही हम क्यों इतना वो करें, तो हम क्यों नहीं करें, हम परिपक्वता से व्यवहार करें। हमारी संस्कृति बहुत ही परिपक्व संस्कृति है और होली का ये जो बाहरी रूप है, हम उसको जितना महत्व देते हैं उतना ही महत्व हम उसके आंतरिक रूप को भी देते हैं। कि जब हम अपने जीवन के आंतरिक धरातल पर रंगों को बिखेरें, बाहर के रंग तो चलते रहेंगे। अब इस कोरोना काल में यही चुनौती है सबके लिए कि बाहरी तल का जो होना है सो होना है, उसमें तो जीवन की रक्षा, एक दूसरे की सुरक्षा, वो सबसे महत्वपूर्ण है। इसको चुनौती की तरह लेकर अपने भीतर के कैनवास पर रंगों को बिखेरें और अपने जीवन की एक अभूतपूर्व कलाकृति निर्मित करें। उत्सव मनाने के तौर तरीके रूपांतरित करें, बदलें, ट्रांसफॉर्म करें। कैसे हम थोड़ी सुरक्षा, दूरी, एहतियात के साथ एक दूसरे से मिल सकते हैं, वो सबका ध्यान रखें। सामान्य सी बातें हैं ये सब, लेकिन इसीलिए इनको कहना मैं आवश्यक समझ रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ऐसे अवसरों पर। लेकिन अभी समय की मांग है, तो समय की इस मांग के अनुसार चले। होली आती रहेंगी, दिवाली आती रहेंगी, तमाम उत्सव आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इस बार के इस उत्सव को हमको उतने ही संयम से मनाना है और उसको फीका नहीं पड़ने देना है। उसकी जो रसपूर्ण चीज़ है उसको तो हमें लाना ही है, क्योंकि साथ मिलने बैठने की मनाही नहीं है। वो तो हम मिल बैठ सकते ही हैं, वो मिलें बैठें अपने प्रियजनों परिजनों के साथ, खाएं पिएं, खुश रहें। और जो लोग सुरक्षित अनुभव कर रहे हैं, थोड़ा बहुत रंगों का उपयोग कर लें। ऐसे में तो मुझे लगता है कि गुलाल वगैरह हैं, थोड़ा सा डिस्टेंसिंग के साथ उपयोग किए जाएँ। हालांकि उसमें भी कितनी डिस्टेंसिंग करेंगे ये भी बड़ा प्रश्न है, लेकिन गीले रंगों में तो बहुत ज़्यादा उपद्रव हो जाता है, तो उनको जितना हटाया जा सके हटाया जा सकता है। जब अगली बार सब लोग ठीक ठाक होंगे तब फिर उनको लेकर आइएगा। बाकी और तरीक़ों से इसको सेलिब्रेट करने की कोशिश करिए होली को। भारत के दर्शन में तो होली भी एक फिलॉसफी है, होली भी एक दर्शन ही है। इसीलिए पहले देखिए हम होली का दहन करते हैं और उसके बाद फिर रंगों में आते हैं। यानी जो असार है उसको जलाना, और असार के जलाने के बाद उस सार के जो एसेंशियल है उसके रंगों में डूबना। तो इस बार थोड़ा फिलोसॉफिकली हो जाए, थोड़ा सा उसका जो सारभूत पहलू है उसको अपनाने की कोशिश ज़्यादा करें, तो ये हमारी संस्कृति को भी गहरा करेगा और अभी के समय की जो मांग है उसके अनुकूल भी होगा। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ सब लोग होली को सेलिब्रेट करें और इस अवसर पर सबको बहुत बहुत प्रेम आशीष। हम लोग इसी तरह मिलते रहेंगे, साथ चलते रहेंगे, होली आती रहेंगी, दिवाली आती रहेंगी, और हर बार हम हर उत्सव में उत्साह और समझ के साथ साथ में चलते रहेंगे।
Thank you.